और गुजरात की भरूच लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सहमति बन चुकी है। आप नेता चेतर बसावा इस सीट से प्रत्याशी होंगे, जिस पर कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है। भरूच सीट से अहमद पटेल सांसद रह चुके हैं, उनके बेटे फैजल पटेल इस सीट से दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन गुजरात में इंडिया अलायंस के तहत भरूच सीट आपके खाते में जा चुकी है। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन में हमारे नाम की भरूच सीट से घोषणा हुई है। हम आनंदित है, हमको बहुत खुशी हुई और हमारा मुझ पे जो भरोसा रखा है उस भरोसे को हम कायम रखेंगे। देखिए, नॉमिनेशन के लिए बहुत टाइम है, इलेक्शन के लिए भी बहुत टाइम है, काफी कुछ हो सकता है। आप नेता चेतर बसावा को इस सीट से प्रत्याशी बनाने से फैजल पटेल नाराज हैं और कांग्रेस आलाकमान से मिलने दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़, हरियाणा में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच इंडिया गठबंधन के तहत सहमति बन गई। रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं दिल्ली की 7 सीटों में से कांग्रेस 3 सीटों पर और आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में 10 की 10, दिल्ली में 7 की 7 सीटें, अब टीम इंडिया को आने वाली है। टीम इंडिया के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ, ये इसी से घबराई भारतीय जनता पार्टी अब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना चाहती है। और वही लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तंज कसते हुए कहा, यह गठबंधन आंखों में धूल झोंकने जैसा है। केसी त्यागी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद खुलकर सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन के बाहर आने के बाद विपक्षी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका है। पंजाब में दोनों एक दूसरे की नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे, एक दूसरे के उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ेंगे और दिल्ली में मित्रता करेंगे। गठबंधन वो होता है जो सामूहिक होता है और सब जगहों पर होता है। ये अविवश है।